यहाँ बहनों की जोड़ी जमी हुई है। मम्मी वहाँ है। कहाँ? आगे बने और भाभी वहाँ बैठी है। भाभी से सब कर, भाभी से सबको मम्मी के पास जाए। हम लोगों का पूरा ट्रेन में बर्थ है, आगे पीछे इधर साइड उधर साइड सारी फैमिली बैठी हुई है। हम लोग उधर में बैठे हुए थे बट अभी इधर आए। यहाँ मम्मी लोग बैठी हुई है। सब जब से चढ़ी तब से सिर्फ सब खा ही रहे हैं। देखिए हालत, सब कपड़े खोल खोल के मस्ती कर रहे हैं। वो पापा बैठे हुए हैं वहाँ। जब से ट्रेन में चढ़े सब कभी नींबू पानी, कभी चना, कभी बादाम, कभी पॉपकॉर्न, तरह तरह के आइटम चल ही रहे हैं। किसी का मुंह बंद नहीं है। और बच्चे तो इतना बदमाशी कर रहे हैं, इतना बदमाशी कर रहे हैं। सब ऊपर में चढ़े हुए हैं, ऊपर वाली सीट में। अभी उन लोगों को चढ़ा के तो मम्मी पापा के पास आए। हम लोग भी उधर ही थे, थोड़े देर रेस्ट किए। हाँ फ्रेंड, अभी बहुत मज़ा आ रहा है। तो हमारा देखिए दिल्ली तक का सफ़र, ब्लॉगिंग बन रही है दिल्ली तक के सफर के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे फ्रेंड लोग से? अरे कुछ तो बोलिए। कैसा लगा आपको दिल्ली, भोपाल से दिल्ली तक का सफर? भोपाल से दिल्ली जो है गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी का मजा लेते हुए और फैमिली के साथ, फैमिली के साथ जो एंजॉय करते हुए हम लोग ने पूरा जर्नी को एंजॉय किया है। बहुत अच्छा लग रहा है क्या? मतलब कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो फैमिली के साथ का मजा होता है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। सब एक फैमिली। हम लोगों का तो मेरे फ्रेंड, आप हम लोगों का भोपाल का सफर खत्म हुआ और हम लोग दिल्ली के सफर की ओर चल चुके हैं। सारी फैमिली साथ में है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग शायद काफ़ी दिनों के बाद शादी के बाद पहली बार सारे फैमिली के साथ एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे फैमिली साथ में है। पूजा बहुत खुश है क्योंकि भाई खुश है, अपने मायके जा रही है, भैया के घर जा रही है, भैया उनकी सिस्टर सब लोग साथ में है। बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने कभी भी इतना लंबी जर्नी ट्रेन में नहीं किया। तो अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। शादी में भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया और पूजा इतना व्यस्त हो गई कि अच्छे से ब्लॉग भी नहीं बना पाई। वहाँ पर इतनी रस्म और ये शादी में होती है, आप तो जानते हो। मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था, बस थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने कहीं कहीं पर रिकॉर्ड किया है, वो आप ज़रूर देखेंगे। और अब हम आज रात से दिल्ली पहुँच जाएंगे 12 बजे। तो कल से हम लोगों का प्लान है दिल्ली आगे घूमना है।
क्या प्लानिंग होती है। भैया भी साथ में है, बड़े भैया ये डिस्कशन यही देख हो रहा है अभी पे, अभी यही सब बातें चल रही है। एक्चुअली फ्रेंड बात हो रही है कि दिल्ली में इनके भैया भी रहते हैं और दिल्ली में इनके सिस्टर भी रहती है, तो ये डिस्कस हो रहा है कि दिल्ली में अब भैया का कहना है मेरे घर चलो और इनकी दूसरी सिस्टर का कहना है कि नहीं मेरे घर चलो। तो हम लोग भाई कंफ्यूज हैं कि कहाँ जाया जाए, इस बात पे ही अभी चर्चा चल रही है, बहस हो रहा है कि कहाँ चलना चाहिए। तो अब देखिए क्या निर्णय होता है, जहाँ भी जाएँ सब लोग एक साथ जाएँ, एक साथ रहें, दो दिन रहें। हमारी बच्चा क्या कर रहे हो तुम लोग, कहाँ उतरना है? नीचे। नहीं नहीं आराम से बैठो, आराम से। रुकू बदमाशी कर रहे हो, मजा आ रहा है दोस्तों। मैं हूँ प्यांसी, जो बहुत बदमाशी करती है। मैं बहुत शरीफ, बहुत शरीफ है। और वो जो किनारे साइड में बैठा हुआ है, अच्छा गलत काम नहीं करना बेटा, ये सब गंदी बात होती है। वो हो क्या कर रहा था बेटा, वो आप चीकू की देखिए, चीकू की शिकायत। यहाँ बच्चा टीम, बाबू बेटा तुम भी ऊपर चले जाओ, वहाँ बैठ जाओ। आज चीकू भी खूब मस्ती कर रही है क्योंकि देखो कंपनी मिल गई बहुत सारे, बहुत। बाबू बाबू बदमाशी नहीं बेटा, ऊपर चले जाओ बेटा, चले जाओ बेटा वहाँ बैठ जाओ। हमारे चीकू के बहुत सारे फ्रेंड मिल गई हैं, तो चीकू काफी खुश है, बहुत खुश है, मस्ती कर रही है, दिल्ली जा रही है मामा के घर। बेटा तू उतर रही हो बाबू, चल जा बेटा तुम भी। और एक मेरा बाबू यहाँ किट्टू, और ये सारे बच्चे टीम को संभालने वाले हमारे भैया। और सब लोगों ने इनके ऊपर ही जिम्मेवारी छोड़ दी, सब अलग अलग बर्थ में बैठ गए और भैया के ऊपर बच्चे को छोड़ दिया। तो मजा आ रहा है भैया फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ इन चेहरों से तो आप बहुत अच्छी तरह बाकी होंगे। चलो फ्रेंड्स हमारे आप ब्लॉग में बने रहो, आप दिल्ली तक के सफर में। लड्डू ले लो इधर, अंदर आओ। सब एक के हैं, नहीं नहीं भैया जी, भैया जी, भैया जी, हम तो खोल दे रहे हैं। नहीं नहीं भैया जी को भू भैया, अरे वाह क्या लड्डू है। तो अब भैया से भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अच्छा भैया सर्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब नाश्ता चल रहा है और हमारी सारी टीम एक जगह बैठ गई है, आप देख सकते हैं, और हमारे भैया जी सर्व कर रहे हैं। वाह एकदम सुंदर सुंदर सी मिठाइयाँ। पूजा तुम मीठा खा रही हो, बेसन ले ले ले। बेसन का लड्डू बहुत ही फेमस है। अच्छा अच्छा बेसन की लड्डू, यूपी का जो बेसन का लड्डू जो होता है ना बहुत ही फेमस है।
तो आप तो मीठा नहीं खाते हैं भैया? मीठा नहीं खाते लेकिन बाबा का दवाई भी और भैया जी जो है बगल में भाभी को सारा लड्डू चट कर दिए ना, तीन डब्बा खोल दिया, तीनों डब्बा खोल दिया। देखिए भैया, भैया छुपाई वो एक बार क्या है ना कि भैया बच्चे लोग के टीम में है तो बच्चे को संभालने के बहाने जो है ना खुद भी चट करते जा रहे हैं। नहीं लोग भैया एक लड्डू मुझे भी मिलेगा क्या? और कौन कौन लड्डू खाना चाहता है? मामी ये घर का लड्डू जरूर खाना पड़ेगा। इधर भी चल रहा है, चल रहा है पूरा चल रहा है। चिकू मिठाई चाहिए क्या? बाप रे बाप, बच्चों ने तो तहलका मजा कर रख दिया है। और हद है भैया के स्टेमिना गजब, सारे बच्चों को संभाल रहे हैं। तो अब हम लोग अभी 8 बज चुके हैं और 12 बजे तक हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। सब लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया, आप थोड़ा रेस्ट करेंगे। सब रेस्ट क्या करेंगे, सारे लोग बैठे बैठे रेस्ट हो गया सब लोगों का। पूजा तो कॉर्नर पकड़ के, वाह 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 ये लड्डू लड्डू कमा। तो ये देखिए मुंह में गया। पूजा हम बोल तो भेज रहे थे, थोड़ा पाइए ना, जो खाना है नहीं रख, थोड़ा कंट्रोल। सारे लड्डू पिठा गोल खाली ये सब पर है। नमकीन तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी आ गए हैं आगरा स्टेशन पे, आप देख सकते हो। तो हम लोगों की अभी ट्रेन आगरा स्टेशन पे रुकी हुई है। हम लोग आगरा और यहाँ से अब 3 घंटे की जर्नी है दिल्ली के लिए। तो अभी आगरा स्टेशन पे रुके हुए हैं, मैं ट्रेन से नीचे हूँ, पानी पानी देने हम लोग उतरे हैं। तो फ्रेंड्स, रात के बज गए 12 और फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हो सारे फैमिली यहाँ पे, टैक्सी वाले से बात हो रही है क्योंकि हमारा लगेज बहुत ज़्यादा है। हमारी गाड़ी दिल्ली तो लग चुकी है, निकली। अब यहाँ से हम लोग घर जाएंगे।
ईगो गाड़ी में लगा देंगे सारा। चिकू ट्रॉली लेके जा रहे हो? खींच लोगे बेटा? हाँ कोई दिक्कत? अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लिफ्ट से ऊपर आ गए, प्लेटफॉर्म पे। और यार टैक्सी वाले बहुत परेशान करते हैं यार, बार 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 टैक्सी दे लो टैक्सी। यार रुक जाओ भैया। तो हमारा लगेज आप देख रहे हो, बचाओ मेरा बैग है, मेरा अपडेट कलर, मेरा बैग। यार इतने आदमी है कि टैक्सी वाले भी कंफ्यूज कर जा रहे हैं। मेरे को बहुत नींद आ रही है। सो फ्रेंड, हम लोग अभी यहाँ पे शाम हो गई है और यहाँ पे बालकनी में हम लोग खड़े होके नीचे देख रहे हैं। नीचे का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है और ये देखो हम लोग सब खड़े हैं और यहाँ पे स्पेशल मस्त एकदम डिशेस बन रहा है, चाउमीन चिल्ली। दिखाया गारंटी वाला, तू एक साल गारंटी। यहाँ बच्चे बहुत बदमाशी कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। अभी हम लोग दिल्ली में हैं। अरे हाँ, हम लोग अपना ड्रेस दिखाओ, दोनों सेम सेम ड्रेस पहने हैं। हम दोनों सेम सेम कपड़ा पहने हैं गाइस। अरे देख लीजिए गाइस, और वहाँ पे छोटे पापा चाउमीन बना रहे हैं। अरे यहाँ पे चिल्ली चाउमीन बन रहा है, ये अभी ग्रेवी तैयार हुआ है, चाउमीन बॉइल करके रखे हुए। हाँ ऑन कर दो, करो ऑन। यहाँ आने के बाद इन लोग इतना ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं सब लोग। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि नल टूट गया है और ये नल कंचन दी ने तोड़ दिया और ऐसा नल लगा किचन में। बनाया किसने? बीके। अरे आप बहुत स्लो चल रहे हैं। और अभी चाउमीन चिल्ली बन रहा है। सो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।